भाई देखें, ये होती है फोल्डिंग वॉशिंग मशीन। ये ऑन ऑन हो हो गई, गई, ऑन हो गई, कुछ करेंगे। और ये इस तरह से मूव होना शुरू हो जाएगी। आराम से बच्चों को जो है ना वो गुड़िया के बाल बना के दें घर हाँ, में। ये बच्चों के लिए होता है, मैजिक पैड कहलाता है। स्पाइस टावर होता है, फ्राइज वगैरह बनाने होते हैं ना, उसके लिए होता है ये। उसके लिए होता है ज़बरदस्त। डिफरेंट किस्म की जो वेस्टेज होती है ना हाँ, वो आप इसमें डाल सकते इसमें हैं। डाल दें। हेयर ड्रायर है नोवा की, तरीके से शेल्फ बन जाएगा आपका, टॉवल हैंग करना है वो हो जाएगा, और उसमें बाहर जाली वगैरह हैंग हो जाएगी। क्यूब्स निकाल के इसमें आप इसके डाल अंदर लें। डाल लें आप। अभी एक छोटा सा कूलर होता है, ये मैंने खुद भी यूज़ किया है, ये बड़ा बड़े मज़े की चीज़ है बड़ा सर। अच्छा है। आपने लहसुन रखा और इसको चॉप कर दिया। कोई भी चीज काटेंगे ना तो 5 लेयर में एक साथ कटेगी। जो चाइनीज फूड वगैरह खाते हैं ना उसके लिए होता है ये। चावल वगैरह में से पानी निकालने के लिए होता है, या पास्ता आपने निकालना है। तो भाई ये है गोल्डन मार्केट वाला रोड। ठीक है, गोल्डन मार्केट वाले रोड पे जाएंगे तो यूसुफ प्लाजा है, सेकंड फ्लोर पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और सेकंड फ्लोर के ऊपर चढ़ने के बाद जो है वो मैं आपको शॉप की तरफ लेके चलता हूँ। सेकंड फ्लोर के ऊपर ये कादरी शॉप का यहाँ पे बैनर लगा हुआ है काफ़ी बड़ा। ठीक है, नहीं ये देख सकते हैं कादरी गैजेट्स होलसेलर। और इनके डिफरेंट किस्म के ब्रॉडकास्ट नंबर वगैरह भी यहाँ पे मौजूद हैं, और इनके यहाँ पे बुकिंग नंबर भी वगैरह मौजूद है। कराची के लिए अलग है, अदर सिटी के लिए अलग है, ब्रॉडकास्ट नंबर अलग है। और ये इनकी शॉप है यहाँ पे, और माशाल्लाह शॉप पे इस वक्त काफ़ी सारा रश है। तो मैं आपको अंदर की लोकेशन दिखाता हूँ, अंदर चलते हैं। ये इनकी शॉप यहाँ पर मौजूद है, और ये काफ़ी सारा यहाँ पे इनके पास गैजेट्स होते हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं, साथ भाई से मुलाकात करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या चीज़ें दिखा रहे हैं। कुछ वैरायटीज़ गैजेट्स की भी रह गई थी जी तो जी वो उस दिन टाइम की वजह से, तो मैंने कहा चले आपको यहीं खड़े खड़े इंशाल्लाह दिखा देते हैं। ठीक है, तो जैसे और ये ये कुछ नई चीज़ें भी आई हैं हाँ, मेरे ख्याल कुछ से नई आपके चीज़ें आई पास। हैं तो इसलिए मैंने कहा यार चले वो भी दिखा दूँ आपको। सही है, ये स्पाइस टावर होता है, ठीक है, स्पाइस जार होता है एक तरीके से। ठीक है, ये देखें इस तरीके से बन जाएगा टावर और ये सही खड़ा हो जाएगा। एक्रेलिक में होता है ये, सही है। और इसमें डिफरेंट किस्म के आप अपने मसाला जात रख मसाला सकते जात हैं, रख सकते हैं, इस तरीके से होता है। ठीक है, ज़बरदस्त। ये आपका एक जार हो गया, ठीक है। इसके बाद ये आपका फैलेगा नहीं, इसके बाद दूसरा जार इसी के ऊपर रह जाएगा आपका, सही है, तीसरा इसी के ऊपर रह जाएगा। आपने ज़बरदस्त, तीन तीन रखने, तीन तीन रह जाएंगे, छः छः रखने, छः एक साथ भी रह जाएंगे। मतलब आपकी जगह नहीं है, वो हाँ, कर रहा है, घेर नहीं रहा है, तो आराम आप से एक ही थोड़ा छोटी थोड़ा जगह पे। आपने चाहिए होता है इस्तेमाल के लिए तो आप इसमें डाल के रख सकते हैं। एक्रेलिक में होते हैं जार, 650 रुपये का सेट है ये पूरा, इस तरीके से। ये ज़बरदस्त। इम्पोर्टेड होता है, सीजनिंग सेट कहलाता है, ये भी मसाला वगैरह के लिए होता है। तो भाई ये भी देख लें यार, ये भी मसाला जात वगैरह रखने के लिए हैं। वो तो खैर इनकी मुझे बड़ा प्यारा लगा वो इनकी तो। कैपेसिटी थोड़ी कम होती है ना, अच्छा, इनकी कैपेसिटी थोड़ी कम होती है, इस तरीके से होता है। ये कलरफुल, ये इस तरीके से डमी में आते हैं और ये यहाँ से खुलते हैं। लेकिन ये है बड़ा प्यारा। हाँ, ये 450 रुपये का सेट है। अच्छा, ये और ये साढ़े चार सौ कितने का हैं, सेट छः हैं इसके अंदर ये? छः छः पीस का सेट होता है ये, ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा सा वो आपने कोई बड़े मसाले वगैरह डालने ना उसके लिए हाँ होता है, और उसमें जो दूसरे मसाले छिड़कने वाले होते हैं उनके लिए उसके होता लिए है, ये है इस मौजूद। तरीके से सही है, तीन तीन पीस होते हैं। यहाँ ये पर पोटैटो चिपर है, घर में फ्राइज वगैरह बनाने होते हैं ना उसके लिए होता है ये, उसके लिए होता है, ज़बरदस्त। इस तरीके से बन जाएगा खुल के, और ये मेटल में होता है, अभी मैं बना नहीं रहा हूँ ताकि आजमाइश हो जाएगी। इस तरीके से आपने ये बन जाएगा, और पोटैटो चिपर के लिए था 1150 रुपये का मेटल में ही। ज़बरदस्त, एक तरफ से आलू रखे दूसरी तरफ से चिप्स निकल जी आएंगे। बिल्कुल ऐसा सही है। ये सिंक बास्केट होती है, ठीक है, ये जो है अपना इसके साथ देखें, ये हुक आते हैं, सक्शन हुक हुक कहलाते हैं। ये जो है ना सिंक के ऊपर वो हो जाते हैं, अच्छा पेस्ट हो जाता है ये। पेस्ट हो जाता है, सही है, देखें ये यहाँ लग जाएंगे। सिंक के अंदर जगह होती है, जैसे सिंक बॉल होता है इसके अंदर हाँ जगह हाँ होती है, इसके अंदर ये चिपक जाएगा, सही है। और ये इस तरीके से रह जाएगा। और डिफरेंट किस्म की जो वेस्टेज होती है ना हाँ, वो आप इसमें डाल सकते इसमें हैं, डाल दें, और इसमें आप कोई भी अपना सामान रख सकते हैं ना, ठीक है, साबुन या कपड़ा वगैरह। फिर इसके बाद इसका काम हो जाए इसको बंद कर दें, ज़बरदस्त, ठीक अच्छी है। चीज़ है सर अच्छी ये भी। चीज़, सक्शन हुक भी इसके साथ होते हैं, दो हुक होते हैं, ठीक है। ठीक ये है, मार्बल पे स्टिक होते हैं इसलिए यहाँ स्टिक नहीं हो रहा, ठीक है। और ये ये जो कितने की है है? ये है अपना 300 रुपये की बास्केट है, हेयर ड्रायर है नोवा की, ठीक छोटी है, वाली ना, घर में आप बच्चे वगैरह भी यूज़ करते हैं लेडीज़, या तो घर में जैसे थोड़े कभी कभी यूज़ करनी है तो उसके लिए होती है ये, सही है, 550 रुपये की ड्रायर है, ज़बरदस्त ठीक है। भाई। तो ड्रायर भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे, कैंडी और मेकर है, ये खोलूंगा नहीं, इसको खोलना थोड़ा आजमाइश है, ये फोल्डेबल होता है, अच्छा, ठीक है। मैं खाली थोड़ा सा खोल के इससे ऊपर से दिखा देता हूँ। तो आराम से बच्चों को जो है ना वो गुड़िया के बाल बना के दें घर हाँ, में। गुड़िया के जो बाहर से खरीदते हैं ना, दरअसल वो थोड़ा सा वो होता है यार कि हम पता नहीं सही है नहीं है, सेकरी नहीं हाँ क्या, तो आप घर में ही बना सकते हैं, ठीक है, ठीक। इस तरीके से ये पूरी मशीन होती है, ये खोल के बनेगी पूरी, इस ज़बरदस्त, तरीके से बड़ी मशीन बन ये जाएगी। बन जाएगी इस तरह से, कॉटन कैंडी मेकर होता है, ठीक है, और ये जो होती है ना 3000 रुपये की मशीन है। अच्छा, और ये आप इसको जो है ना वो YouTube पे डालेंगे, YouTube पे डालेंगे तो सारी वीडियोस इसकी भरी पड़ी हैं, बड़ी बनी हुई होंगी कि किस तरह से इसको यूज़ करना है, वो सारी और इसके इन्फॉर्मेशन रेट आपको मैंने मिल आपको जाएगी। गलत बता दिए, रेट जो है इसके 3500 रुपये, 3500 रुपये, 3500 रुपये की। ठीक है। ये शेल्फ है, देख रहे हैं बाथरूम में,
इस तरीके से शेल बन जाएगा, आपका टावल हैंग करना है वो हो जाएगा और उस पर बात जाली वगैरह हैंग हो जाएगी इस तरह से। ये इम्पोर्टेड होता है, सही है, खोल के दिखाता हूँ आपको। तो ये बाथरूम में यूज़ करने के लिए शेल्फ मौजूद है यहाँ पे यार, खोलना पड़ेगा इसको, ठीक है, इसके साथ और ये भी बनाना पड़ेगा पूरा। एक नज़र आपको खोलता हूँ मैं, ये इस तरह से दो हो गए इसके, ठीक है, एक हुक इस पे लग जाएगा, एक दूसरे वाले पे लग जाएगा, ठीक है। अभी आप इसको कॉर्नर पे भी लगाना चाहे ना, कॉर्नर पे लग जाएगा, कॉर्नर पे भी लग जाएगा ये, ठीक है। और आपने इसको स्ट्रेट लगाना चाहे तो स्ट्रेट भी लग जाएगा ये आपको, बिल्कुल स्ट्रेट होके भी लग जाता है, ये घूम घूम जाएगा, ये स्ट्रेट होके भी लग जाएगा, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से फिर इस पर आपने कोई भी चीज़ हैंग करनी है कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है अपना क्या नाम है, ये टावल का हैंगर होता है, ये कहीं नीचे फिक्स हो जाएगा, इस पर आप तौलिया वगैरह लटका सकते हैं, ठीक है। पूरा मतलब कंप्लीट शेल्फ है ये जी, ये जो ये होल्डर जो इसमें आप हेयर ड्रायर वगैरह भी लटका सकते हैं, कोई भी एक्स वाई जेड चीज़ अपनी रख सकते हैं, सही है। और ये कितने का है सर? ये 750 रुपये का, 750 रुपये का ये इम्पोर्टेड है ये, ठीक है। जैसे ये शेल्फ है ना, इसी तरह से एक ये बाथरूम शेल्फ आता है, ठीक है, ये लोकल बनता है। देखें ये इम्पोर्टेड है तो इसका हुक देखें कितना बड़ा है, स्टीकर वाला, ये लोकल है तो उसमें इस तरह से छोटा सा हुक दिया हुआ, छोटा सा दो हुक दिए हैं, बड़ी मेहरबानी के दे दिया सर, वरना हुक अलग से परचेज करने पड़ते। तो ये हुक यहाँ पे एक लग जाएगा और दूसरा हुक यहाँ पे लग जाएगा और ये शेल्फ लग जाएगा। वैसे इसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, 180 रुपये का होता है, ठीक है, लेकिन सर प्राइस भी तो फिर उसी हिसाब से ना, कम है ना प्राइस, कम है। बड़ा ये अच्छा आइटम है यार, ये जो है ना किचन वगैरह में लगता है, सही है, और इसको इसमें मल्टीपर्पज में इसको हैंग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसके और भी हुक्स हैं ना, अच्छा डिफरेंट हुक्स इसके मौजूद हैं, यहाँ लग जाएंगे इसके अंदर नीचे की साइड पे, हाँ ये यहाँ लग जाएंगे, सही है। इस पर आपने कोई भी स्पून वगैरह लटकाना है, बड़े चम्मच उसमें लगा सकते हैं, और ऊपर आपने इसमें कोई भी जो ज़्यादा स्पून वगैरह होते हैं ना उसमें रख सकते हैं, कटलरी आप होल्डर बना सकते हैं, कटलरी होल्डर बना सकते हैं, इससे वॉश भी हो जाएगा निकल के ज़बरदस्त, और ये स्टिकर से हैंग हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। और ये कितने का है सर? 400 रुपये का है, 400 रुपये का, ठीक है, ठीक। ये 400 रुपये का होता है, इसके साथ भी इसी तरीके का स्टिकर है, स्टिकर मौजूद होते हैं ये रहा। और इन स्टिकर की थिकनेस बड़ी अच्छी होती है, चिपक जाते हैं ना फिर निकलते नहीं है मार्बल पे, अच्छा मार्बल पे लगेंगे बेसिकली ये, मतलब जो डिस्टम्बर वाली दीवार है उस पर नहीं लगते ये, अच्छा जी। ये आइस क्यूब मेकर होता है, इसमें अपना आपने साइड यहाँ पे पानी भर दिया, सही है, ये बॉल इसी तरह रहेगा, ठीक है। जब आप वो फ्रिज में रख देंगे ना तो कैप लग जाएगा, सही हो गया, ठीक है। अब ये हो गया अपना, अल्लाह आपका भला करे, आइस क्यूब बन जाएंगे इसमें, ठीक है, आइस क्यूब बन गए। अब आइस क्यूब आपने निकालनी है ना, उसके लिए ये बाउल है, इसको थोड़ा सा करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, इसका डब्बा जो है ना ये इस तरीके से बाहर आ जाएगा और सारे जो है क्यूब्स निकल आएंगे, फिर क्यूब्स निकाल के इसमें आप इसके अंदर डाल लें आप, इस तरीके से 350 रुपये का होता है ये, और ये सिलिकॉन में होता है, सिलिकॉन के अंदर है, ये देखें आप, ठीक है। एक ये आइटम है, ये बच्चों के लिए होता है, मैजिक पैड कहलाता है ना, ठीक है, इस पर बच्चे ड्राइंग वगैरह बना सकते हैं, इस तरह से ये ड्राइंग वगैरह बन के लाइट होती है, ठीक है, तो ग्लो करता है ये, अच्छा ग्लो करेगा, आइटम है ये, गिफ्ट वगैरह देने के लिए होता है, सही है, 750 रुपये का है ये। इसको खोल सकते हैं हम, इसमें सेल लगाने पड़ेंगे, अच्छा सेल लगाने पड़ेंगे, ठीक है, सेल वाला है, ठीक है, 750 का बताया जी, 750 रुपये, ठीक है। अभी एक छोटा सा कूलर होता है, सही है, ये कूलर जो बेसिकली आता है ना वो इस पर्पज में आता है, जैसे घर में हम लोग फ्रेश जूसेस वगैरह बनाते हैं ना, जी जी, फ्रेश जूस बना के रख तो नहीं सकते ना, अब फ्रेश जूस ख़राब हो जाता है, फ्रेश जूस बना के तो आप फ्रीज़र करना चाहें ना तो उसको आप इसमें डाला आपने जूस, अच्छा ठीक है, जैसे लेमन का आपने पानी बना के इसमें डाल दिया, स्टीकर इस पर आपने लगा दिया, ठीक है, लगाना चाहें तो आप, और ये जो नल टाइप की इस पर यहाँ पे लग जाएगी, अच्छा नोजल भी दी हुई है साथ में, नोजल यहाँ लग जाएगी, ज़बरदस्त, इसमें आपने डाला और ये फ्रीज़र हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। फिर आपने जब जूस निकालना है तो उसमें से इसको यहाँ से टूटी खोलें इसकी और आराम से इंजॉय करें, फिर ज़बरदस्त। कितने का बताया? ये जो होता है अपना 500 रुपये का होता है, 500 रुपये का, 500 रुपये का, ये इम्पोर्टेड होता है, क्वालिटी अच्छी होती है, ठीक है। ये जो है सर जी अपना लाभ का भला करे स्पैचुला सेट होता है, अच्छा सिलिकॉन में होते हैं, लार्ज साइज में, ये इसमें छोटे भी आते हैं, ठीक है। ये आपने इस पर ऑयलिंग वगैरह करनी है बारबेक्यू पे तो उसके लिए होता है, दूसरा ये जो पैन होते हैं ना घर में, क्या कहते हैं फ्राइंग पैन, उसके अंदर आप ऑयल वगैरह लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, दो पीस का सेट होता है 100 रुपये का, ठीक है, सस्ता है 100 रुपये का भाई, और आराम से जो है आपके सारे काम हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये एक आते हैं मेमो मसाजर, छोटा सा, ये मैंने खुद भी यूज़ किया है, ये बड़े मज़े की चीज़ है सर, बड़ा अच्छा है, बहुत मज़ेदार चीज़ है ये, दरअसल अभी थोड़ा सा महंगा हुआ है ये, अच्छा पहले बहुत सस्ता था ये, अच्छा अभी दरअसल इम्पोर्ट बंद हुई है ना जब से, तो ये आइटम आना बैंड हो गए और इस तरह से बहुत महंगे हो गए ये, तो ये जो है अपना 300 रुपये का है, अच्छा लेकिन 300 रुपये में महंगा नहीं है, एक तरीके सेल से भी आप चला सकते हैं, ठीक है। और अगर आपकी लाइट नहीं है आप पावर बैंक से चला सकते हैं, ठीक है, पावर बैंक नहीं है लाइट है घर पर तो USB से चला सकते हैं, तीन ऑप्शन है, ज़बरदस्त। पावर बैंक में चलाएंगे लीड लग जाएगी आपकी, सही है, यहाँ लग जाएगा, डायरेक्ट चार्जर के अंदर लगाएं और यूज़ करें,
ठीक है, और ये आराम से मसाज करें अपनी बॉडी को, बड़ा मजा आता है इसमें। बड़ा मजा आता है। एक ये छोटा सा मसाजर है ये भी। अच्छा, ये भी मसाजर है। ये देखें इस तरीके से अक्टूबर टाइप बना हुआ होता है ये। ठीक है, सही है। ये अपना इसमें आप फोम डाला हुआ होता है। अच्छा, तरीके से ठीक है, फोम इसके अंदर वापस डल जाएगा। और ये फोम इसमें आपने कोई भी फेस वॉश डाला या लिक्विड डाला, फिर इसके बाद जब इसको पुश करेंगे ना तो यहाँ से निकलता रहेगा इसको, फिर आप मसाज करते हैं। फिशल वगैरह में यूज होता है। जबरदस्त, छोटा सा आइटम है लेकिन बड़ा यूनिक है। ये जो होता है 80 रुपए का होता है। ठीक है, गार्लिक प्रेस होता है ये, लहसुन वगैरह होता है ना जी, जैसे तो वो अब कूट कूट के थक जाते हैं। जैसे आपने रोज फ्रेश यूज करना है तो ये इसके अंदर आपने लहसुन रखा और इसको चॉप कर दिया बस, ये उसी को चॉप करने के लिए इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये हाथ में पहनने के बाद कुछ और करने का भी दिल चाहेगा आपका। कितने का सर ये? ये जो होता है 250 रुपए का होता है। 250 रुपए का, अच्छी चीज़ है, जबरदस्त। ये देखें, वो खूबसूरत लग रहा है यार। ये देखें, एक ये सीजर है, वेजिटेबल सीजर है। ठीक है, ये डिफरेंट इसके अंदर वो हैं ऑप्शंस है, ऑप्शंस एक ही ऑप्शन है लेकिन ये 5 लेयर है। अच्छा, 5 लेयर है। 5 लेयर है ये। वाओ, ठीक है। इससे आप मतलब जो सब्जियां होती है ना, जैसे धनिया वाली सब्जी है, कोई भी चीज़ आपने काटनी है तो स्पीड में आपकी कट जाएगी। कोई भी चीज़ काटेंगे ना तो 5 लेयर में एक साथ कटेगी। अच्छा, बार बार काटने की जरूरत नहीं है इस तरीके से। वेजिटेबल अब जी इसके टाइम की सेविंग हो जाएगी, तो इसको साफ करने के लिए ये देखिए ब्रश दिया हुआ है इसका, ब्रश दिया हुआ है इसका, इसको आपको इसमें से रिमूव कर सकते हैं जो चीज़ फंस जाए ना आपकी। ये होता है 350 रुपये की होती है सीधा। अच्छा, ये इम्पोर्टेड होती है। ठीक है, चॉप स्टिक्स हैं, सही है, जो चाइनीज़ फूड वगैरह खाते हैं ना उसके लिए होता है ये। ये होती है 10 पेयर होते हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5 या 20 स्टिक्स हैं टोटल। अच्छा, वुड में होती हैं ये। ठीक है, और 10 पेयर हैं। 120 रुपये का पूरा पैकेट है ये। एक ये बड़ा अच्छा सा आइटम है यूनिक का। हाँ। ये जो है अपना जैसे अंडे वगैरह होते हैं गर्म, हाँ। पानी में से निकालना होता है तो वो आपने निकाला, या पास्ता आपने निकालना है। हाँ। सिर्फ वो या सूप भी अगर आपने निकालना है तो उसमें डाला, पानी सारा आपका ड्रेन हो जाएगा। ठीक है, वो आपने जो चीज़ निकालनी है वो बाहर आ जाएगी, सही है। अच्छा, ये सिर्फ पानी वगैरह में यूज होती है, लाइट गर्म पानी होते हैं इस तरीके से, ये ऑयल में यूज़ नहीं होती। अच्छा, बाहर जगह लोग क्या करते हैं गरम तेल में डाल देते हैं। ओहो, वो तो खराब हो जाएगी सर। हाँ, ये पिघल जाएगा, पिघल जाएगा। तो अभी प्लास्टिक का आइटम में थोड़ा सेंस होना चाहिए कस्टमर्स में, तो अब वो मैं इसलिए बता रहा हूँ, वजात कर रहा हूँ कि बोले यार वो हमने ऑयल में डाला पिघल गया, तो ये गरम पानी में यूज कर सकते हैं इसको, लाइट गरम पानी, नीम गरम पानी जैसे कहा जाता है, पानी में डाल दिया और बेचारा खुद बना मांगा, उसकी चीखें निकल आएंगी। ये जो है 70 रुपए का है। ठीक है, इस तरीके से ये स्पून है, राइस स्पून कहलाता है ये। इनकी क्वालिटी अच्छी होती है। अच्छा, प्लास्टिक की, ये जैसे चावल वगैरह में से पानी निकालने के लिए होता है, या पास्ता आपने निकालना है, मल्टीपर्पज में यूज़ होता है। ये छोटा होता है, ठीक है, इसी का बड़ा है, ज़बरदस्त, इस तरीके से होता है। ये जो है हजरत आपका 100 रुपये का, 100 रुपये का, ये 70 रुपये का, ये 100 रुपये का। ठीक है, ठीक है, कैन होल्डर है, पानी का 19 लीटर वाला कैन होता है ना, उसको उठाने के लिए होता है ये, सही है। ये होता है 50 रुपये का, ज़बरदस्त। एक ये रोप होती है, क्लोथ लाइन रोप कहलाती है, इस तरीके से देखें। ठीक है, अब आपने घर में कपड़े हैंग करने ना उसके लिए होती है, जैसे दोनों तरफ इसके वो लगे होते हैं ना, क्लिप होते हैं, क्लिप होते हैं, ये 5 मीटर की रोप होती है, सही है। आपने एक हिस्सा यहाँ फंसा दिया, ये इस तरीके से लग जाएगा, ये फिट हो गया, इसके अंदर घुमा के भी आप लगा सकते हैं, बांध सकते हैं, सही है, हैंग हो जाएगी। इसके बाद इस तरह से कपड़े हैंग कर सकते हैं इसमें हैंगर के साथ, जबरदस्त। ये पूरा पैक, ये 5 मीटर रोप जो है 80 रुपए की है। अच्छा, चाइल्ड सेफ्टी लॉक होता है ये, तो ये जो अपना ड्रॉ वगैरह होते हैं ना, बच्चे खोल लेते हैं, खोल लेते हैं। हाँ, ये एक आपने यहाँ लगा दिया, ठीक है, और एक यहाँ लगा दिया, तो बच्चा क्या इसको खोल नहीं सकेगा, इस तरीके से होता है, सही है, जबरदस्त। ये लोग जो होता है वो 40 रुपए का होता है। अच्छा, ये लड़कों के लिए हैंगर होता है, जिनके बाल बड़े होते हैं सर, मत याद दिलाएं, किसी जमाने में मेरे भी बड़े बाल थे, हेयरबैंड होता है ये, सही है। तो ये जो हेयरबैंड है 30 रुपए का है सिर्फ, ठीक है। जो है फाउंडेशन ब्रश होता है, या मल्टीपर्पज में यूज कर सकते हैं, लेडीज के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो ब्रश होता है 150 रुपए का होता है, ठीक हो गया। तो सर ये क्या चीज़ रखी हुई है भाई? देखें, ये होती है फोल्डिंग वॉशिंग मशीन, ठीक है, ठीक है। दरअसल ये होता है अपने बेबी के, बच्चों के जैसे कपड़े धोने ना, छोटे एक दो जो जोड़े धोने, तो उसके लिए बड़ी मशीन निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, से धोने, तो ये इस तरह से एक छोटा सा यूनिक सी आइटम है, ठीक है, फोल्डिंग वॉशिंग मशीन कहलाती है, इतनी सी होती है, ठीक है, ठीक है। ये इस तरह से इसका ऊपर कैप है, ठीक है, और ये बुकेट टाइप बनी हुई है, ये खुल जाएगी। अच्छा, ये खुल जाएगी इस तरह से, इसकी कैपेसिटी इतनी होती है, देख ले, सही है। 2-3 जो बच्चे के छोटे कपड़े होते हैं, बॉर्न बेबीज वगैरह के जो कपड़े होते हैं, हाँ, उनके लिए है। आपने अपने कपड़े डाल दिए, वो तो खैर घूमेगी नहीं है फिर, फिर वॉश नहीं होगी, ठीक है। एडाप्टर होता है इसके साथ, अच्छा, मैंने प्लग इन किया हुआ है नीचे, ठीक है, फिर ये यहाँ प्लग इन हो जाएगा, ठीक है, सही है। और ये जो है वो, ये देखें यहाँ से ऑन होती है, यहाँ से ऑन होगी ये, ठीक है, पुश करके रखेंगे,
ये ऑन हो गई, ऑन हो गई, ठीक है। इसका हैंडल भी है ये, अब इसको दोबारा पुश करेंगे और ये इस तरह से मूव होना शुरू हो जाएगी। जबरदस्त मूव हो रही है, चलते चलते अब ये रुकेगी, फिर इसको रिवर्स होगी, रिवर्स होगी इस तरफ भी, जैसे जो वॉशिंग मशीन जिस तरह से वर्क करते हैं। ये देखिए यार, ये रुक गई है और रुकने के बाद ये रिवर्स हो रही है, रिवर्स हो रही है, ज़बरदस्त। और इजीली आप इसको कैरी कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। इसकी एक टाइमिंग सेट हुई है, ये रुक जाएगी, फिर आपको यहाँ से ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, तो भाई ये इस तरह से वर्क करती है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मशीन लग रही है ये तो देखने में। सर कितने की है ये? ज़्यादा महंगी नहीं है, 5,500 की बस। अच्छा, 5,500 की मशीन है, ठीक है सर। ये सच में 5,500 की है? जी जी बिल्कुल 5,500, क्योंकि मैंने ये देखी एक दो जगह पे, काफ़ी महंगी मिल रही थी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, दरअसल ये ना रिटेल से आप लेंगे ना ऑनलाइन से, तो ऑनलाइन पे तकरीबन 8-10,000 की है अभी। अच्छा, होलसेल जो इसकी 5,500 रुपये, ठीक हो गया। तो भाई ये मिनी वॉशिंग मशीन, फोल्डिंग वॉशिंग मशीन है, ये आप ले सकते हैं यहाँ से। ज़्यादा पावर नहीं लेती है, ये एडाप्टर से चलती है। अच्छा, नॉर्मल एडाप्टर से चलेगी, ठीक है सर।